हेलो वेलकम टू द चैनल लर्न विद राधा. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस, मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. ये टॉपिक टेट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. इसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, जैसे कि आईक्यू पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरीज पे क्वेश्चंस आते हैं. तो जब हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक तो साथ के साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. An introduction to theories of intelligence. Intelligence की theories पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि intelligence क्या है. Psychologist ने intelligence को बहुत ही multi-dimensional way में देखा. किसी psychologist ने बोला कि एक ability है जहाँ पर आप knowledge कैसे acquire कर रहे हो, फिर apply कर रहे हो नॉलेज और स्किल्स. तो ये जो एबिलिटी है दैट इज़ कंसिडर्ड एज इंटेलिजेंस. सो इफ़ यू आर एबल इनफ टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स यू आर इंटेलिजेंस. सो दिस कुड बी एन अ फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस. नेक्स्ट है द एबिलिटी टू लर्न अबाउट, लर्न फ्रॉम, अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट विद वंस एनवायरमेंट. सो अगर आप अपने एनवायरमेंट से सीखते हो और अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हो, यानी कि अगर आप सोशली बहुत एक्टिव हो, दैट कुड आल्सो बी एन इंटेलिजेंस. तो अगर आप ऐसे हो तो आप इंटेलिजेंट हो. स्पेसिफिक एबिलिटीज़ के बारे में भी बोला गया, जैसे कि पहली है अडैप्टेबिलिटी टू अ न्यू एनवायरनमेंट और टू चेंज इन द करेंट एनवायरनमेंट. तो अगर आप पहले किसी और एनवायरनमेंट में थे, फिर आपको नए एनवायरनमेंट में अगर जाना पड़ता है और आप इजीली अडाप्ट कर लेते हो अपने आप को उस नई एनवायरनमेंट में, नई सिचुएशन में, या आप उस एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हो, सो यू आर इंटेलिजेंट इनफ. नेक्स्ट है कैपेसिटी फॉर नॉलेज एंड द एबिलिटी टू एक्वायर इट, यानी कि अगर आपको जहाँ कहीं से भी नॉलेज मिल रही है वो आप एक्वायर कर लेते हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है. कैपेसिटी फॉर रीज़न एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट, यानी कि आपकी रीजनिंग स्किल्स जो हैं, आपके जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो स्टेट है वो अच्छा है, उसकी कैपेसिटी अच्छी है, तो भी आप इंटेलिजेंट हो. एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड रिलेशनशिप्स, यानी कि आप रिलेशनशिप्स को अगर कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो, समझ पाते हो, तो भी आप इंटेलिजेंट हो. एबिलिटी टू इवैल्यूएट एंड जज, कैपेसिटी फॉर ओरिजिनल एंड प्रोडक्टिव थॉट, यानी कि अगर आप क्रिएटिव हो, आपके थॉट्स जो हैं प्रोडक्टिव हैं, डिस्ट्रक्टिव नहीं हैं, पॉजिटिव साइड पर अगर आप हो तो आप इंटेलिजेंट हो. तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो बोलता है कि आप के अंदर इनमें से अगर कोई भी एबिलिटी है, स्पेसिफिक एबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, कोई भी एबिलिटी है तो आप इंटेलिजेंट हो. तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ डेफिनेशंस थी जो इंटेलिजेंस अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग बताया कि इंटेलिजेंस क्या है और इंटेलिजेंट लोगों की स्पेसिफिक एबिलिटीज़ क्या क्या हैं. अब हम देखेंगे थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस. तो कई सारी थ्योरीज़ दी गई थी. हम जो है मेन जो पढ़नी है हमको वो ये चार थ्योरीज़ हैं. फर्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और चार्ल्स स्पियरमैन इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस थ्योरी. तो जैसे कि नाम्स में ही है, चार्ल्स स्पियरमैन ने दी थी ये जनरल इंटेलिजेंस की थ्योरी, जिसको हम टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. वन बाय वन हम डिटेल में सबके बारे में पढ़ेंगे, बट जनरल पहले देख लेते हैं कि ये थ्योरीज़ के नाम क्या हैं. और साथ में साइकोलॉजिस्ट का नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए चार्ल्स स्पियरमैन ने. या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है वो किसने दी थी, तब भी आप चार्ल्स स्पियरमैन ही बोलोगे. फिर नेक्स्ट है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़. प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये दी थी थर्स्टन ने. पूरा नाम है लुइस एल थर्स्टन. नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरी, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, तो ये आपको नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग्स थ्योरी विच इज़ ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए साइकोलॉजिस्ट के, और उनकी थ्योरीज पता होनी चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एक एक करके हम देखते हैं। पहली हम देखेंगे टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और चार्ल्स स्पीयरमैन जनरल इंटेलिजेंस और जी फैक्टर। तो इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी जिसे हमने बोला उन्होंने बोला जी फैक्टर। तो जी फैक्टर जो है सब में होता है, और ये जो है इन्होंने टेक्निक जो यूज़ की थी वो फैक्टर एनालिसिस थ्योरी थी। तो स्टैटिस्टिक्स में ये जो जैसे कि हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे जो टेक्निक्स होते हैं उसमें से एक टेक्निक है फैक्टर एनालिसिस। तो फैक्टर एनालिसिस टेक्निक से ये थ्योरी को उन्होंने एग्ज़ामिन किया था, और वो एग्ज़ामिन कैसे किया था, कई सारे मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट करने के बाद जो स्कोर्स आए थे उसका फैक्टर एनालिसिस किया। तो इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बेसिकली आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है। बट थोड़ा सा और डिटेल हम देख लेते हैं ताकि और ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। ही टेस्टेड हाउ वेल पीपल परफॉर्म ऑन वेरियस टास्क रिलेटिंग टू इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस अगर किसी के अंदर है तो लोगों ने कैसे कई सारे टास्क में किस तरह से परफॉर्म किया है। जैसे कि टास्क जो लिए गए थे वो थे डिस्टिंग्विशिंग पिच। तो अलग अलग पिच अगर आप पहचान पाते हो, या परसीविंग वेट कलर आप समझ पाते हो, डायरेक्शंस आप समझ पाते हो, और मैथमेटिक्स आप समझ पाते हो, तो ये रिलेटेड है इंटेलिजेंस से। He concluded that scores on these tests were remarkably similar. तो ऐसा देखा गया कि जो इंडिविजुअल पिच को डिस्टिंग्विश कर पा रहा है वो डायरेक्शंस भी बता पा रहा है, मैथमेटिक्स में भी अच्छा है। तो ये टास्क कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड थे। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आया? There must be one central factor that influences our cognitive abilities. Spearman term this general intelligence. This intelligence is a general cognitive ability that could be measured and numerically expressed. तो ये टास्क ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए जो एक इंडिविजुअल है अगर एक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहा है तो वो दूसरे टेस्ट में भी अच्छा स्कोर कर रहा है। वहीं अगर दूसरा इंडिविजुअल एक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर रहा तो दूसरे टेस्ट में भी अच्छा स्कोर नहीं कर रहा। यानी कि एक कोई सेंट्रल फैक्टर है जो कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड है, तो उसको हमने बोल दिया, चार्ल्स स्पीयरमैन ने बोल दिया जी फैक्टर। हम सब के अंदर एक जी फैक्टर होता है और वही सब पूरी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, जो कि मेजर भी किया जा सकता है और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी किया जा सकता है। तो ये हो गया जनरल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। नेक्स्ट है लुइस एल थर्स्टन की थ्योरी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। इन्होंने क्या किया था, जी फैक्टर नोशन जो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था उसको उसके अगेंस्ट उन्होंने अपोज किया था, उसके अगेंस्ट में दूसरी थ्योरी दी थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। और इन्होंने बोला था कि ये जो थ्योरी है ये 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ पे फोकस किया है, जो कि है रीजनिंग, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, परसेप्शुअल स्पीड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, एसोसिएटिव मेमोरी, स्पेशल विजुलाइजेशन। तो ये 7 जो हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, ये अगर आप इनमें अच्छे हो तो आप इंटेलिजेंट हो। नेक्स्ट जो है थ्योरी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। ऑल पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंसेस।
तो जैसे कि स्पेयरमैन ने बोला कि जी फैक्टर है, फिर जी फैक्टर को अपोज किया गया, बट इन्होंने क्या बोला कि हर जो इंसान है, हर इंडिविजुअल है, उसमें अलग अलग तरह से इंटेलिजेंस प्रेजेंट होती है, यानी कि हर इंसान इंटेलिजेंट है बट वो उसके स्किल पे बेस्ड है, स्किल्स और एबिलिटीज़ पे बेस्ड है। तो इन्होंने 8 जो है ये दी थी इंटेलिजेंस, नाम देख लेते हैं, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। एक एक करके इन इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्ट करते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस से। नाम से ही पता चल रहा है, जो लोग मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, कैलकुलेशंस में अच्छे होते हैं, पैटर्न्स डिटेक्ट कर पाते हैं और रीज़न कर पाते हैं और लॉजिकली सोच पाते हैं, तो ऐसे लोगों में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस प्रेजेंट होती है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मींस जो लैंग्वेज में अच्छे होते हैं लिंग्विस्टिक, तो ऐसे लोग दे इफ़ेक्टिवली मैनिपुलेट लैंग्वेज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ रिटोरिकली और पोएटिकली। तो आपने कुछ लोग देखा होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं पोएटिक वे में, तो उनका लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है उनका बहुत अच्छा होता है। इट ऑल्सो अलाउज वन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ मीन्स टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन। ये हो गई लिंग्विस्टिक। फिर हो गई स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस में क्या होता है, दीज पीपल दे मैनिपुलेट एंड क्रिएट मेंटल इमेजेस इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। दिस इंटेलिजेंस इज़ नॉट लिमिटेड टू विजुअल डोमेन्स। तो आपने कुछ लोग बेसिकली जो कुछ लोग आपने देखे होंगे जो मेंटल इमेजेस फॉर्म कर लेते हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स वो मेंटल इमेजेस फॉर्म करके ही सॉल्व कर लेते हैं, तो वो विजुअल डोमेन्स पे डिपेंडेंट नहीं है कि अगर उन्हें कुछ दिख रहा है तभी वो चीज़ कर पाएंगे, वो इमेजिन कर लेते हैं। जैसे कि कुछ 3-डायमेंशनल चीज़ है तो वो उसको उसी तरह से वो मेंटल इमेज बना के इमेजिन करके वो सॉल्व कर लेते हैं। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस यानी कि म्यूज़िक में जो लोग अच्छे हैं, म्यूज़िकल पिचेस पहचान लेते हैं, कंपोज कर लेते हैं, याद रख लेते हैं, टोन्स रिदम्स इन चीज़ों में अच्छे हैं, तो उनके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, एथलीट्स जो होते हैं उनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस होती है, दे आर एबल टू कोऑर्डिनेट वंस ओन बॉडीली मूवमेंट्स, तो वो कोऑर्डिनेशन उनका बहुत अच्छा होता है। पर्सनल इंटेलिजेंस में इंट्रा और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आ जाएंगे, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डिसर्न द फीलिंग्स एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स, तो दूसरों की फीलिंग्स को समझ लेना, दूसरे की साइकोलॉजी को समझ लेना, तो ये जो इंटेलिजेंस है वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन फीलिंग्स एंड मोटिवेशंस, तो अगर इंट्रोस्पेक्टिव टाइप के अगर आप हो, अपनी फीलिंग्स को पहचानते हो, अगर आप कभी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं आपको तो आप उनको पहचान के पॉजिटिव होने जाते हो, तो वो जो है आप इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है और आप इंटेलिजेंट हो। तो हर इंसान जो है उसमें कुछ ना कुछ स्किल्स एबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए वो इंटेलिजेंट है, इन्होंने ये बोला था। फिर जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी, ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने एक कॉग्निटिव अप्रोच लिया था, मेंटल एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड पर्पसिव अडेप्टेशन टू सिलेक्शन एंड शेपिंग ऑफ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट्स रेलेवेंट टू वंस लाइफ। तो उन्होंने बोला था कि मेंटल एक्टिविटी जो है, क्योंकि कॉग्निटिव अप्रोच लिया था तो मेंटल एक्टिविटी जो है वो एक पर्पसिव अडेप्टेशन है, यानी कि कोई पर्पस है अडेप्टेशन का, अगर आप रियल एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो या शेप कर रहे हो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट, और वो आपकी लाइफ से भी रिलेटेड है, तो ये है ट्रायार्किक थ्योरी।
तो आपके पास ट्रायार्किक मींस थ्री थ्योरीज हैं, इसमें थ्री बेसिस लिए हैं इंटेलिजेंस के. फर्स्ट है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट है क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड थर्ड इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस मींस दिस रेफर्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज से रिलेटेड है. क्रिएटिव इज रिलेटेड विद द एबिलिटी टू डील विद न्यू सिचुएशंस यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड करंट स्किल्स. प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है, दिस एलिमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी टू अडाप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट. तो एनालिटिकल जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है. क्रिएटिव जो है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जहाँ पर आप न्यू सिचुएशंस को डील कर पाते हो, न्यू सिचुएशंस में डील कर पाते हो पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीख कर और करंट स्किल्स को अप्लाई करके. प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है जहाँ पर आपकी एबिलिटी है कि अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो आप उसमें अडाप्ट कर पा रहे हो. तो ये तीन हो गए ट्रायार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. फिर बोला गया कि अब हम इंटेलिजेंस को मेजर कैसे करें, कैसे देखें कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन सा इंडिविजुअल जो है वो कम इंटेलिजेंस है. एक स्केल दिया गया, तो कई स्केल दिए गए, उसमें से तीन जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे. तो फर्स्ट है बाइनेट साइमन स्केल, स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस स्केल, फिर है वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल. ये हम वन बाय वन देखते हैं. बाइनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल जो है, अल्फ्रेड बाइनेट ने और थियोडोर साइमन ने डेवलप किया था, इसलिए इनके सरनेम्स इस स्केल में नाम इनका दिया हुआ है. तो दे डेवलप्ड अ सीरीज ऑफ टेस्ट डिज़ाइन टू असेस मेंटल एबिलिटी सच एज अटेंशन एंड मेमोरी. तो इन्होंने कई सारे टेस्ट डेवलप किए, उसमें इन्होंने मेंटल एबिलिटीज़ को असेस किया, जैसे कि कुछ मेंटल एबिलिटीज़ जैसे कि अटेंशन है, मेमोरी है. एडमिनिस्ट्रेड ऑन चिल्ड्रन टू इवेलुएट देयर परफॉर्मेंस एट अ गिवन क्रोनिकल एज. द मेंटल एज बाय क्रोनिकल एज मेजर इज कॉल्ड द मेंटल क्वेश्चन वॉज यूज टू इवेलुएट अ चाइल्ड्स लर्निंग पोटेंशियल. तो कई सारे बच्चों पे ये जो टेस्ट है यूज़ किया गया और उनका परफॉर्मेंस चेक किया गया. परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको बोला गया कि वो उनकी मेंटल एज है, और उसको डिवाइड किया गया उनके एक्चुअल एज से, जिसको हमने बोला क्रोनिकल एज. और इस जो रेशियो है इसको बोला गया मेंटल क्वेश्चन्ड, और यही बच्चे की लर्निंग पोटेंशियल को जानने में, इवेलुएट करने में हेल्प करने लगा. तो ये जो स्केल था वो था बाइनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल. फिर नेक्स्ट आया स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस स्केल. तो वहाँ पर बाइनेट साइमन था, यहाँ पर हो गया स्टैनफोर्ड बाइनेट. तो ये जो स्केल था ये रिवाइज्ड फॉर्म था बाइनेट साइमन स्केल का, और ये डेवलप किया गया था, रिवाइज किया गया था लुइस एम टर्मन के द्वारा. और इसमें क्या गया था, द टेस्ट मेजर्स फाइव वेटेड फैक्टर्स एंड कंसिस्ट ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल सब टेस्ट. द फाइव फैक्टर्स बींग टेस्टेड आर नॉलेज, वहाँ पर क्या गया था मेमोरी, अटेंशन, कुछ ये मेंटल एबिलिटीज़ वाली जो चीज़ें थी वो देखी गई थी. इसमें दोनों वर्बल और नॉन वर्बल सब टेस्ट लिए गए थे, और पांच फैक्टर्स टेस्ट किए गए थे, जैसे कि नॉलेज है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, विजुअल स्पेशल प्रोसेसिंग है, वर्किंग मेमोरी है, फ्लूइड रीजनिंग है. तो ये पांच फैक्टर्स जो हैं ये टेस्ट किए गए थे, और ये वो जो कॉन्सेप्ट था मेंटल क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट वो रिटेन किया गया था, और एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको उन्होंने बोला ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन. और इंटेलिजेंस क्वेश्चन को उन्होंने यूज़ किया बच्चों को कंपेयर करने में, डिफरेंट एजेस के बच्चों को कंपेयर करने में. तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या था, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज इंटू 100. ये जो ये सारी ये ब्रैकेट में आएगा
ये मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलिकल एज इंटू 100, ये हो गया इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो हम मेंटल क्वेश्चन इंटू 100 भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हो गया इंटेलिजेंस क्वेश्चन। एंड इंडिविजुअल स्कोर फॉर करेक्ट आंसर्स इज कंपेयर्ड टू अ टेबल ऑफ स्कोर्स ऑफ टेस्ट टेकर्स ऑफ द सेम एज। तो स्कोर लिए गए थे, फिर कंपैरिजन हुआ सेम एज के जो टेस्ट देने वाले लोग थे, बच्चे थे, उनसे कंपेयर किया गया। फिर इस स्केल के बाद जो वो लेबलिंग होती है, कंक्लूजन होता है, उसमें क्या बताया गया, स्कोर्स अगर 90 और 110 के बीच में है तो दोज चिल्ड्रन दे आर कंसिडर्ड नॉर्मल। अबव 130 अगर स्कोर आ रहा है तो वो जो बच्चे हैं वो सुपीरियर हैं, यानी कि उनका इंटेलिजेंस क्वेश्चन तो जो है बहुत अच्छा है, सुपीरियर है, इंटेलिजेंस वो बहुत अच्छी है उनकी। बिलो 70 जो है दे आर मेंटली डेफिशिएंट और रिटार्डेड। तो ये स्केल जो है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस स्केल से क्वेश्चंस आते हैं कि इफ़ इंटेलिजेंस क्वेश्चन इज बिटवीन 90 and 110, दोज चिल्ड्रन विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल। एंड इफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ इज मोर देन 130, दोज चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड एज सुपीरियर और मोस्ट इंटेलिजेंट, एंड बिलो 70 आर मेंटली डेफिशिएंट और रिटार्डेड। फिर नेक्स्ट स्केल जो है वो है वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो है, इट इज़ एन IQ टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव एबिलिटी इन एडल्ट्स एंड ओल्डर एडोलेसेंट्स। तो ये जो था ये बच्चों के लिए नहीं था, ये एडल्ट्स के लिए था और एडोलेसेंट्स के लिए था। डेवलप किया था डेविड वेशलर ने, फिर रिवाइज करके उसका नाम रखा गया वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। पहले एडल्ट्स के लिए किया था, फिर बाद में बच्चों के लिए भी किया गया। उसमें दो सब स्केल्स रखे थे, वर्बल एंड परफॉर्मेंस, विच प्रोवाइड वर्बल IQ एंड परफॉर्मेंस IQ। तो वर्बल टेस्ट जो थे वो वर्बल IQ के बारे में बताएंगे और परफॉर्मेंस टेस्ट जो थे वो परफॉर्मेंस IQ के बारे में बताएंगे। फिर इन दोनों के जो स्कोर्स थे उसको कंबाइन करके हम टोटल IQ बता देंगे। तो वर्बल आई क्यू प्लस परफॉर्मेंस IQ क्या हो जाएगा, टोटल IQ। तो ये हो गया वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, और बाद में उसको रिवाइज किया इस वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। टेस्ट स्कोर्स कॉम्बिनेशन में रिवील अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस टू अ स्किल्ड एग्जामिनर। तो एक स्किल्ड एग्जामिनर जो है वो इंडिविजुअल स्कोर देख के, जैसे कि वर्बल IQ और परफॉर्मेंस IQ कई बार अलग अलग होता है, जो बच्चा ज़्यादा अच्छे से बोल पाता है वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इससे क्या होगा, हर एक बच्चे की कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, वो एक स्किल्ड एग्जामिनर ही बता पाएगा स्कोर्स को देख कर। वर्बल IQ जो है उसमें क्या क्या चीज़ें देखी गई वो हम देखते हैं, इंफॉर्मेशन, सिमिलैरिटीज़, वोकैबलरी। तो ये आ गया वर्बल IQ, ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस आपको जनरल सा बता रही हूँ। और नेक्स्ट जो था वो था मेमोरी इंडेक्स, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स, जिसमें अरिथमेटिक और डिजिटल स्पैन देखा गया। परफॉर्मेंस IQ में देखा गया परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन स्किल, ब्लॉक डिज़ाइन, मैट्रिक्स रीजनिंग, पिक्चर कंप्लीशन। फिर प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स में देखा गया डिजिटल सिंबल कोडिंग, सिंबल सर्च। तो ये सारी चीज़ें जो थी जो हमने देखा कि मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस था, मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है IQ। IQ का फॉर्मूला बहुत बार आता है, और ये किसने दिया, IQ का कंसेप्ट किसने दिया वो इम्पॉर्टेंट है, IQ का फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है। कई बार दिया जाता है कि एक बच्चे की IQ इतनी है तो उसका मेंटल एज इतना, मेंटल एज कितना है, क्रोनोलिकल एज दी हुई होती है, तो वो फॉर्मूले से आप ड्रॉ कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। और जो स्केल्स की हम बात कर लिया, मेजर्स ऑफ इंटेलिजेंस,
वो बात कर लिया। फिर थ्योरीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो आई होप आपको ये इंटेलिजेंस समझ आया हो और अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और भी बाकी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं भेज रही हूँ, सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हर साल ही आते हैं। हर क्वेश्चन पेपर में आपको आईक्यू जो है उस पर एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, और थ्योरीज पे भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। सो थैंक यू सो मच।